दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे ट्राइंगल्स चैप्टर क्लास 10th का। यहाँ पे बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हम देखेंगे। यहाँ पे पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल डेट बी, लेट डी एंड ई बी एनी पॉइंट्स ऑन ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे इससे हमें जो प्रूव दैट है उससे हमें कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे LHS में ले सकते हो ए स्क्वायर और सी डी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ट्रायंगल है ए बी लेंगे हम, ए बी ई, क्योंकि वहां पे इन्वॉल्व्ड है ए स्क्वायर। ए देख सकते हो हाइपोटेन्यूस है ना, ए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखो यहाँ पे जो फाइव क्वेश्चन मैंने लिया है वो पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, उसका प्रूफ मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, वो भी देख सकते हो, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द लेग्स, ठीक है, उन दोनों का बेस और एक और ये जो लेग है उसका स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, अब मैंने DBC इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे LHS में देख सकते हो CD स्क्वायर है। अब CD देखिए, यहाँ पे CD ये है, ये हाइपोटेन्यूस बन जाता है इस ट्रायंगल का DBC का, इसलिए मैंने DBC ट्रायंगल ले लिया। और यहाँ पे DC स्क्वायर नहीं तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब देखो LHS में दोनों को ऐड करना है, तो इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या हो जाता है, ये दोनों RHS सेपरेटली ऐड हो जाता है। अब मैं कंबाइन करूंगा AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो मुझे AC स्क्वायर चाहिए और DE स्क्वायर चाहिए। अब AC स्क्वायर कहाँ पे है, AC स्क्वायर दैट मींस ये हाइपोटेन्यूस है ये पूरे ट्रायंगल का, तो मुझे ये पूरा ट्रायंगल यहाँ पे लिया है मैंने। देखो AB स्क्वायर ABC, तो ABC से क्या मिलता है, AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और DBE इसलिए लिया क्योंकि DE स्क्वायर, DE देख सकते हो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है, तो इस ट्रायंगल का DBE का जो हाइपोटेन्यूस है, तो वहां पे क्या हो जाता है DB स्क्वायर DE स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब इन दोनों से हमें क्या पता चलता है, इसलिए मैंने इन दोनों का पैर बनाया, देख सकते हो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का मैंने पैर बना दिया, ताकि मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ ए सी स्क्वायर से, जो कि है RHS में हमें चाहिए। बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर उसको मैं डी स्क्वायर से रिप्लेस करूंगा जो RHS में हमें चाहिए। तो इसके साथ रिप्लेस करने के बाद तुम डायरेक्ट लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज समझ में आना चाहिए कि जो भी है RHS और LHS उसके हिसाब से हमें चल रहे हैं। LHS में जो भी गिवन है वो चेक करो कि वो हाइपोटेन्यूस है, कौन सा हमें ट्रायंगल लेना है, उसको ऐड करना है कि सबट्रैक्ट करना है, ये हमें इससे पता चलता है, ठीक है।